एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। और भाई बहुत सारे मेरे जितने भी यूट्यूब के जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं उनका एक सवाल था, भाई अपना जो केटैग हम जो ले रहे हैं वो क्या क्या काम करता है, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं इसको रीड्रेट करते हुए, तो उनको थोड़ा क्या समझ में आया नहीं होगा या पता नहीं, तो मैं अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से आज इंशाल्लाह पूरी करूँगा समझाने के लिए। और केटैग में कौन कौन सा क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगे ये सारा का सारा आज पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में केटैग को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ केटैग के अंदर कौन से एक्सेसरीज आएंगे, क्या क्या इसके अंदर आएंगे और किस लिए हम केटैग को लेना चाहिए ये आपको हम मैं बता देता हूँ। देखो आपको मान लो आपके पास ये बोलेरो का ईसीएम है, ठीक है, महिंद्रा 1755 का ईसीएम है, ये वाला आपको ईसीएम लगेगा XUV500 में, ठीक है, XUV500 में ये वाला ईसीएम लगेगा, और यही वाला ईसीएम आपको बोलेरो में लगेगा और सेलो में लगेगा, ठीक है। आपके पास ये वाला ईसीएम पड़ा है 1755, तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जेलो का उठा के बोलेरो में लगा सकते हैं, बोलेरो का उठा के आप जेलो में लगा सकते हैं, एक्सीवी का उठा के जेलो में लगा सकते हैं, ठीक है, आपस में चेंज कर सकते हैं, फर्क इतना होना चाहिए ये 4 सिलेंडर का है तो आप 4 सिलेंडर में लगा सकते हैं, 2 सिलेंडर का ईसीएम है तो 2 सिलेंडर में आपस में चेंज कर सकते हैं, और यही वाला ईसीएम आप महिंद्रा में टाटा में लगा सकते हैं, टाटा का ईसीएम उठा के महिंद्रा में लगा सकते हैं। कुछ कॉम्पोनेंट को चेंज करना पड़ेगा, वो तो आप अपने वीडियो बहुत सारे पड़े हैं कैसे कंपोनेंट चेंज करते हैं, और 4 सिलेंडर को 2 सिलेंडर कैसे बनाते हैं, और 2 सिलेंडर को 4 सिलेंडर कैसे बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो में बना के डाला हूँ वो आप देख सकते हैं, और टाटा का ईसीएम उठा के महिंद्रा में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बहुत सारे वीडियो बना के डाला हूँ। और दूसरी बात, तो इसका मतलब क्या है, आपको ईसीएम के अंदर डेटा लेवल का कोई भी आप मॉडिफिकेशन करना है, अभी मान के चलो आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही, आपको रिमूव हॉफ करना है तो आपके पास इसका डेटा है तो डाल के इमो हॉप कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, बिना इमो कलर की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको स्पीड अनलॉक करनी है तो भी आप इसके अंदर हो जाएगा, और मान के चलो कोई EGR का कोड बन रहा है तो भी आप उसका फाइल ओरिजिनल फाइल रीड करके आपके हिसाब से जो आपको चाहे वो आप बंद करके आप इसके अंदर फाइल डालेंगे तो वो DTC नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसा होता है। और दूसरा और एक मैं पकड़ा हूँ मैग्नेट बरेली का, ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ इमो हॉप करना है या कोई स्पीड अनलॉक करनी है तो यही पॉसिबल है, आप केटैग से ही कर सकते हैं, स्कैनर का काम नहीं है, ये है सिर्फ रीड एंड राइड डेटा, रीड एंड राइड, इसका हम डेटा निकालेंगे दूसरे सिम के अंदर डालेंगे तो कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपना एज इट इज जो ईसीएम है वो क्लोन हो जाएगा, ठीक है, वो अपने केटैग के अंदर एक लिमिट रहती है, अपने केटैग के अंदर एक लिमिट रहती है, वो लिमिट के अंदर ये वाला ईसीएम आता है तो रीड हो जाएगा, और आपको यूज़ करने का नहीं भी आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे यूज़ करना है, और आपके पास कोई मान के चलो आपके पास 1755 ईसीएम आया है, आप हमें बताएंगे जमीर भाई, जो अपने से जो केटैग लिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जमीर भाई मेरे पास 1755 ईसीएम आया है उसको मुझे क्लोन करना है तो मुझे डायग्राम दीजिए, तो हम इसका पूरा हम पीडीएफ फाइल पूरा हमने इसमें बना के रखे, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगेगा, CNF पर कहाँ लगेगा, बूट पर कहाँ लगेगा, और केटैग के अंदर भी बताता है, हम केटैग के छोड़ के अपने तरफ से हमारा खुद का एक PDF फाइल बनाए हैं बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आप कहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है, अभी मान के चलो ये महिंद्रा का ईसीएम है तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, महिंद्रा में जाना है, और उसके बाद कहाँ पे जाना है, XUV500 में जाना है, और आपको 1755 सेलेक्ट करना है, और उसका फैमिली नंबर है, ये सारा कुछ हमने पूरा बारीकी से पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है, हेल्प की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको PDF फाइल डालेंगे, PDF फाइल में आप देखेंगे भाई, देखेंगे बड़े आसान से काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात आपको अनबॉक्सिंग करके मैं बता देता हूँ, बहुत सारे अपने इतने वीडियो अपने चैनल में पड़े हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, फिर भी अपने जो भाई हैं मैकेनिक भाई जो हैं वो दोबारा बार बार पूछते रहते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आएंगे, इसके अंदर क्या क्या काम होएगा, ठीक है, ये मेरा फ़र्ज है क्योंकि ये मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज नहीं मानता हूँ, इसका पूरा डिटेल्स मैं देना चाहिए, ठीक है, तो मेरा ऐसा इतना डिटेल्स का कोई वीडियो नहीं था इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, कोई भी भाई इसका डिटेल्स के लिए कोई भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं बस, क्योंकि हर बार एक ही मैटर को लेकर हर बार 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 उनको बताना थोड़ा रिक्सी रहता है, क्योंकि अपने को भी थोड़े काम रहते हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे ईसीएम आज आए हैं, देखो यहाँ
आज इतने सारे ईसे माए हैं, आज इनको रिपेयर करके मुझे भेजना है, तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे रहता है। इसकी वजह से मैं आपको आज पूरे वीडियो में आपको मैं डिटेल से मैं बता दूंगा केटे के अंदर एक्सेसरीज क्या क्या आते हैं। ये ऐसा एक बॉक्स आता है आपको, ठीक है, ऐसा वाला आपको एक बॉक्स आता है, 1 किलो का बॉक्स रहता है, 1 किलो का बॉक्स रहता है। अब इस हम इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाला एक पैकेट मिलेगा, देख सकते हैं ये वाला आपको पैकेट मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा चार्जर, ठीक है, आपको चार्जर मिलेगा, चार्जर मिलेगा, दूसरा वाला आपको चार्जर मिलेगा, और तीसरा आपको आइटम मिलेगा केटैग मास्टर, केटैग मास्टर वर्जन 2.25, यानी ए 1-1 क्वालिटी रेड पीसीबी के साथ, बढ़िया क्वालिटी के साथ, ठीक है, देख सकते हैं क्या ऐसा वाला आपको हार्डवेयर मिलेगा, और तीसरा चौथा आपको मिलेगा ए सीडी। आपके पास सीडी डालने का स्लॉट नहीं है आपके लैपटॉप में तो हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो आप देख ही सकते हैं क्या क्या ये क्या काम करता है, आपको पूरा डिटेल्स मैं दिया ही हूँ। अभी मैं इसका पैकेट ओपन करके बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे। ऐसा कवर आता है, कवर आपको हटा देंगे। सबसे पहले जो अपना केबल है, ये अपनी सबसे पहली केबल आएगी, चार्जर तो आप देख ही लिए हैं, सबसे पहले आपको केबल आएगी, और दूसरा आपको देख सकते हैं ये वाला आपको अडाप्टर आएगा, या हर अलग अलग ईसीएम रीडायरेक्ट करने में काम आएगा। तीसरा केबल ये आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 केबल हो गए, 8 के अंदर 2-2 केबल रहेंगे, सब में आपको 2-2 केबल रहेंगे, यानी बाय मिस्टेक आपका कोई वायर कट हो जाती है, टूट जाती है, तो इसके अंदर डबल डबल केबल रहेंगे, 2-2 केबल रहेंगे सब में आपको, इसमें भी 2 केबल आएंगे, इसके अंदर 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 भी 2 केबल आएंगे, और इसके अंदर भी 2, और इसके अंदर भी 2, ठीक है, इसके अंदर भी 2 आपको केबल आएंगे। और आपको ये कुछ अडाप्टर आते हैं, ये कोई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, इतने सारे इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा काम जो आती है ये वाली केबल सबसे ज़्यादा काम आती है मैग्नेट मरीली का ईसीएम रीड एंड रेड करने में, और 16 से 39 हो गया आपका क्रूज का हो गया, डेल्फी का हो गया, ये सारा करने में ये आती है, और अपना ये भी डेल्फी का करने के लिए आती है, ये अपना 3.7 ऐसा कुछ थोड़े इसमें केबल हैं, वही सबसे ज़्यादा यूज़ कॉमन में आते हैं, और बीडीएम में आपको करना है तो बीडीएम फ्रेम में आपको करना है तो ये वाली केबल आती है, ऐसा है, ठीक है। इतने सारे आपको केबल मिलेंगे, इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगे आपको देख सकते हैं, और ये वाली आपको पूरी मास्टर केबल मिलेगी, इसके अंदर कैन लो कैन हाई पॉजिटिव नेगेटिव जीपीटी सीएनएफ सारा कुछ इसमें आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के साथ, कोई ख़राब वराब कुछ नहीं होएगा, ठीक है। आपने आज मंगवा लिया, 2-3 दिन के बाद टूट गई, ऐसा कुछ नहीं रहता, बड़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरा खुद का प्रोग्रामर बताता हूँ, कम से कम ये मान के चलो 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कितने साल 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मेरे को कोई ख़राबी आई नहीं। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं गारंटी वारंटी कुछ मिलती है क्या, क्योंकि मैं खुद 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मान के चलो मेरे पास हर रोज़ का काम रहता है, हर रोज़ मैं ये लेके काम करता हूँ, यानी हर रोज़ काम करता हूँ, 2 ECM, 3 ECM, 4 ECM रीडेट करता ही रहता हूँ, तो 3 साल से मैं चला रहा हूँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल यूजिंग का है, देख सकते हैं पूरा पैकिंग करके रखा था, तो 3 साल से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब यही है जितना आप बचा के काम करेंगे उतना अच्छा रहता है, और आपको मिलेगी डेटा केबल, ये 1-1 क्वालिटी, हाँ हो सकता है ये ख़राब हो, क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं बार बार निकालते हैं डालते हैं तो ये वाली डेटा केबल आपकी ख़राब हो सकती है, ये तो आपको मार्केट में मिली जाएगी 150 के अंदर आपको मिली जाएगा। और चार्जर ये 2 चीज़ ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, चार्जर भी ख़राब हो सकता है, ये वाला भी ख़राब हो सकता है, और ये जितने सारे ये केटैग हो गया ये सब हो गया तो ख़राब होता नहीं है, हो भी जाता है तो हम उसका कोई गारंटी वारंटी आती नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डिटेल से कुछ मालूम हुआ होगा क्या क्या इसके अंदर एक्सेसरीज आते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, एक ही बंदा बार बार फिरा फिरा के पूछ रहे थे क्या है पता नहीं, हर बार वही भाई इसके अंदर क्या क्या आते हैं फोटो भेजो और इसके अंदर क्या क्या काम होता है डिटेल्स बोलो।
ये ECM रीड राइट करने में काम आता है, चाहे आप इसके अंदर इमो हाफ करो, चाहे आप इसके अंदर स्पीड अनलॉक करो। इसके अंदर एक कैपेसिटी रहती है, वो कैपेसिटी तक आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। हाँ, मिल जुला के आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा ECM करेगा। 1755 और आपका मैग्नेट मरेली लेटेस्ट वाला भी करेगा, ओल्ड वाला भी करेगा जो शिफ्ट में लगता है, और N2 वाला भी ECM करेगा, और 1763 वाला ECM नहीं करेगा, ठीक है। 1761 वाला ECM काम नहीं करेगा, और आपका ड्यूप वाला कौन सा है, ये आपका KTM का है, ठीक है, ड्यूप वाला, ये भी काम करेगा, और अपना 1649, 1608, 1609 ये सब काम करेगा, और अपने बहुत सारे ECM काम करते हैं। जो मेन जो है अपने मार्केट में जो चलते हैं, होंडे का, केपिको का काम करेगा, ऑटोमेटिक का भी करेगा, मैनुअल भी करेगा, i10 i20 का भी करेगा, और अपना डीजल में मारुति में ले लो, पेट्रोल गाड़ी का भी कुछ गाड़ी का काम करेगा, सिंगल कपलर का भी काम करेगा, डबल कपलर का भी काम करेगा, और अपना महिंद्रा 1755 भी करेगा, 1639 भी करेगा, और डेल्फी का, होंडे ही डेल्फी की बात करता हूँ, 3.7 भी करेगा, 3.4 भी करेगा, 1.2 भी करेगा, ठीक है। ऐसा तो बोलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, तो करेगा i20 वो भी काम करेगा, जो 810 आता है, 020 आता है, 200 आता है, और अपना ऐसे जो है वो सब काम करते हैं। हमें दिखा सकते हैं ये सारे के सारे ECM रीड एंड राइट करेंगे। ये अपना स्कॉर्पियो नॉन इमो वाला है, ये भी काम करेगा, ये वरना में भी लगता है, और i20 में भी लगता है, i10 में भी लगता है, i20 में भी लगता है यही वाला ECM, वरना में भी वही वाला ECM लगता है, ये इमो वाला, ये भी रीड राइट हो जाएगा, और उसके बाजू i10 नॉन इमो ये भी रीड एंड राइट हो जाएगा, और उसके बाजू रीड्स शिफ्ट में आता है, और अपना शिफ्ट में आता है, डिजायर में आती है, और टाटा की गाड़ियों में भी आते हैं, विस्टा में भी आता है, लीनिया में भी आता है, बहुत सारे गाड़ियों में आता है, वो भी अपना रीड हो जाएगा, और उसके बाद जो 1639 जेलो में आता है, और स्कॉर्पियो में भी आता है, वो भी अपना रीड हो जाएगा, और कुछ है सारे के सारे हो जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, कोई बातचीत में कोई ऊपर नीचे हो गया तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उसकी कोशिश करेंगे आपको डिटेल से समझाने की।